बीजेपी सह अघोषित मेंट कांग्रेस को भारी पड़ी। पीसीसी सभापति निरंजन पटनायक बदल राहुल गांधी निकट में फेराद होती दलर प्राय सब विधायक। राहुल को लिखा जा चिठी में कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्रों व्यतीत अन्य सब विधायक दस्तखत करेस राजगांगपुर विधायक सीएस राजनेका और तारा प्रसाद बाहिनीपति एने सूचना देखते पारंपरिक राजनीतिक प्रतिद्वंदी बीजेपी सह हाथ मिलाई कांग्रेस को निंदित करा विधायक माने अभियोग करछन्ती। एहा द्वारा कांग्रेस राज्य राजनीति में निजर गुरुत्व हर सहित तृणमूल स्तर में दल में समन्वय रुना वरिष्ठ नेता माने युव और नवागत विधायकों सह संपर्क रखुना नेतृत्व विरोध में सृष्टि होता असंतोष ने सूचना देखते राजगांगपुर विधायक। से बड़ी कांग्रेस रे सृष्टि होता विशृंखला और नेतृत्वहीनता ने असंतोष जाहिर करते वरिष्ठ विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति दल को संगठित करने विधायकों दायित्व एने आलोचना राहुल गांधी को समय मगा जाए तृणमूल स्तर में दल को सशक्त करने नहीं आलोचना भी कर दलर वरिष्ठ और कनिष्ठ नेता किभली समन्वय रक्षा करें राहुल बैठक आलोचना होती तारा प्रसाद बाहिनीपति। कांग्रेस परिवर्तित राजनीतिक आभिमुख्य दल उपरे भारी पड़ुथुबा राजनीतिक समीकक्ष माने मध्य अनुभव करुछंती। पारंपरिक प्रतिद्वंदी बीजेपी रो बी टीम भली काम करबा को विधायक मानंक घेरे पीसीसी रो चाप विधायक मानंकु एते अतिष्ठ करिछे। कांग्रेस तार निजत्व हराइथिबा विधायक माने भी अनुभव करुछंती। अधिक आलोचना करने भुवनेश्वर सीनियर रिपोर्टर चिन्मय महापात्र आम सहित जोड़ी होते चिन्मय ये अभियोग पूर्व भी रही कि ओडिशा रे कांग्रेस बीजेपी रो बी टीम भाव काम करमती अभियोग लंबा तालिका वर्तमान समय निरंजन पटनायक विरुद्ध रही जहाँ एकत्रित होती विधायक माने चिट्ठी लिखा जा राहुल गांधी को परवर्त समय आभिमुख्य स्पष्ट होदि हाईकमाण कौन से निष्पत्ति निबुकि आगामी समय बेस महंगा पड़पे। देखु कांग्रेस रे जो वर्तमान आज दिन में जो कथा सामना को आसी कांग्रेस तृणमूल स्तर में किभली सुसंगठित हम से विधायक मान कर्तव्य अच्छी एक कांग्रेस विधायक मैंने आज गणमाम को कहते कि कांग्रेस जो चिट्ठी लिखिंट हाईकमाण को जहाँ किसी समय पूर्व तारा बाहनपति कहते आम राहुल गांधी की समय मागिचु अन्न जे विधायक कहते नरसिंहपुर से कहते आम चिट्ठी लिखिचु केमी तृणमूल स्तर पीसीसी पर्यटन परिवर्तन कर कांग्रेस सुसंगठित हो प्रकृत में कांग्रेस विधायक दल कौन राहुल गांधी को जनवाक चाहते से विषय में आम सहित आलोचना करने को अच्छा कांग्रेस वरिष्ठ विधायक संतोष सिंह सालुजा। संतोष बाबू वर्तमान कांग्रेस गोटे सुसंगठित हम आपण मैंने गोटे चिट्ठी लिखिं विधायक मैंने कही सारी कौन चिट्ठी में निर्दिष्ट भाव में कही कांग्रेस को केमी आप सुसंगठित करेंगे। ए पर्यंत राहुल जी को कांग्रेस विधायक दल तरफ कौ चिट्ठी लिखा जाए कांग्रेस दल को भली भाव में मजबूत हे निश्चित भाव में आम पीसीसी लेवल आलोचना करमु कहीं ये कांग्रेस दल रो बहुत बड़ नेता माने एक्स एमएलए माने मंत्री माने अन्य दल को चली जाउछंती जहाँ एवं ओडिशा स्तर रे देखा जाउछे सबू दल रे सही अवस्था किंतु आम अन्य दल रो ऊपर न जाइकरी को बोली भाव रे कांग्रेस को मजबूत करिबू इटा पीसीसी लेवल रे आलोचना हवा दरकार एवं पीसीसी एवं एआईसीसी रे मध्य या उपरे गुरुत्व देवा कथा। आप जानते आप दुज विधायक कही सारे आप चिट्ठी लिखिंट पठा जा सब विधायक सहमत अच्छी हूँ तो आपत कथा कितु गोटे अभियोग से कांग्रेस बर्तमान गोटे बीजेपी बी टीम काम कर जो कि असंतोष कांग्रेस भारत बर्षर सबकर्ण पूर्णा दल एवं 128 वर्ष पूर्ण दल एवं कांग्रेस केवे कार बी टीम हुए नहीं कांग्रेस दल रु जो मैंने छाड़कर जाने अन्न दल आपण ये बीजेडी बीजेपी रेते आप देखी दिंतु मंत्री मैंने अच्छा एमएलए अच्छा अधिकांश जिते सीनियर लीडर अच्छा क्रीम मैंने से मैंने कांग्रेस दल रु जाते कांग्रेस दल हूँ गंगा गंगारू समस्ते जा दल भी आसिकर गंगे पवित्र होते मुझे कौन से विधायक ये कथा कही नथिबे ए पर्यंत एआईसीसी बा राहुल जी को चिट्ठी कांग्रेस विधायक दल रु जाए ना
आपण विधायक तो एटी तारा बाइनपति कहले जे राहुल गांधी को समय मागुचु आपणकर आइरंगपुर विधायक मध्ये से कथा कहउचंद आपण केमती एटा अस्वीकार ना 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 मु तो ए कथा को केते बेले विश्वास करिबिनी जेहेतु कि मु ए पर्यंत जाणि नै कि संत करि नै जदि से दुई विधायक कहउचंती बेले से माने संत करथिबे जदि अर से माने समय मांगीथिबे बेले से माने जाणिथिबे तारा बाइनपति कहले दलर असंतोष अछि वरिष्ठ कनिष्ठ पत्र पडुनी विधायक एटी पडुनी आपण माने जो बळा परे दल संघर्षित हबा कथा से कथा हे पारुनी जाति पई कि आमे मागीचु कान कांग्रेस आगु पंचायत पौर निर्वाचन अछि ए कथा से स्पष्ट भाबरे गलन देखै देखंतो ऑर्गेनाइजेशन रो दायित्व संगठन रो दायित्व पीसीसी रो अछि एआईसीसी रो अछि किंतु ये आपण देखिथे विधानसभा रे विरोधी दल कांग्रेस दल एकजुट होकर लड़ाई करी एकजुट होकर लड़ाई करी एवं भारत भारतवर्ष रे प्रथम राज्य ओडिशा जो टेजरी बेंच बा सरकारी दल वेल को आउसची आपण दल कथा टिक पचारु छी जे आपण कहउछन जे आपण गोटे कथा स्पष्ट जे आपण को छि विशृंखला नाही बा विवाद नाही ये सीएलपी रे नाई किंतु आमे जोटा कहूँ पीसीसी रे आमर किछि लोक जोटा छाड़ी छाड़ी जाउछंती से ता उपरे आलोचना पीसीसी रे दरकार एवं एआईसीसी वाले आसिकर भी ओडिशा रो टिके संगठन को देखंतु काहे कि आगामी दुई मास परे पंचायत निर्वाचन अच्छी आर चार छः मास परे म्युनिसिपल इलेक्शन अच्छी को भली भाव रे कांग्रेस आउ मजबूत होकर ये भल कर शुणुले जहाँ कहते संतोष सिंह सालुजा जे वर्तमान कांग्रेस को भाला भाव में जेहेतु पंचायत निर्वाचन आभिमुख्य रही दल देखा बाकी रहा चिन्मय आपको अटक चाहिए वर्तमान आम सहित इनपुट एडिटर अजय दास जोड़ी हे संपर्क में अधिक आलोचना करवा आग को कि पूरा मामला को लेकिन कौन आसुच्छी प्रतिक्रिया आसने नवा भूल्यू अच्छी ताकू कहीं सम्मान करूना से कांग्रेस रियुनाइटेड रिअर्गानाइज होगा दरकार से देशर उन्नति आम देखूँ सीएलपी मीट बसला से हाइकमाण को अप्राइज करोटा आम लुफल्स रहा कौ जगह आम कमजोरी रहा आम आड्रेस करवा दरकार जोटा ट्रुथ ग्राउंड रियालीटी से मानिकी नेशनल लेवल आम कि गोटे डिस्कस नक हेनी आम कमी कांग्रेस मजबूत हेब से विषय में लिखिक जना जाए कांग्रेस एकजुट हवा आवश्यकता रही विधायक मानकर किछि कर्तव्य रही विधायक मानकर किछि कर्तव्य रही संगठन को सुदृढ़ करने जेहेतु मुझे आपण मान खोलाखोली कह चाहे माननीय राहुल गांधी को आम अनुरोध करूँ सब विधायक मैंने अनुरोध करमको समय दिंतु कांग्रेस जो विपर्य समय जो दुर्दिन समय आम संगठन को किपर भाव दृढ़ करू से बार्ता आम को आप दिंतु आम को समय दिंतु आम आलोचना करूँ किपर भाव संगठित हो सिंह संगठित हो आम जीव लोक जीव आसंता पंचायत निर्वाचन अच्छी एमर म्युनिसिपल निर्वाचन अच्छी एमर 2024 रे एमएलए एमपी इलेक्शन अच्छी ये जो भाग भाग होती विभिन्न प्रकार का सहित कार पड़ूनी सीनियर लीडर मान सहित समस्त को एकजुट करने समस्त को गोटे छता तले राहुल गांधी छता तले एकत्रित करने आम तार प्रयास करुचु एवं राहुल गांधी के समय मागिचु सब कांग्रेस नीति रही जिते बड़े जी सभापति हुए तार किसी दिन छ मस जाइना हटेगा निरंजन पट्टनायक जेहेतु अधिक दिन रहीगले तेणु समस्त असंतोष रही है सी भी निजे पांच सी भी रिजिग्नेशन से कहते हैं जो मुझे गत 2019 निर्वाचन हालापर मुझे इस्तफा देखा इस्तफा एपर्तंत आक्सेप्ट होनी से कहते हैं मुझे दुथर तीन थर इस्तफा दे मोर ग्रहण कराऊनि किसी लोक चाहते सभापति हाँपाई से भी उद्यम कर किसी विधायक को लगे एवं गोटे गोटे उद्यम चलती किसी विधायक मिसिकी दस्खत करके हाईकमाण को देवे जे सभापति पद एपर्तंत से मैटरलाइज होनी कोई दिन जे हम नहब किसी कह कांग्रेस घड़ी करे घोड़ा छुटुची तेणु कांग्रेस ये जिन किसी नुआ नुहे ये इश्यू को नहीं कि राज्य कांग्रेस मध्य गोष्ठी कंद हम बोली जना पड़ा कहीं आपण जदि गोटे गोटे इश्यू उपर बीजेपी जहाँ कर फॉलो करेंगे तो गोष्ठी कंद हम ही हम कि नेता यहाँ असंतुष्ट प्रकाश करेंगे एवं कांग्रेस हाईकमाण को जनइबे यहाँ जना तेणु
ଆପଣ ଯଦି ବିଜେପି ଯାହା କରିବ ଆପଣ ସେୟା କରିବେ ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଏଇଟା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଭଲ ହେବନି ଆଉ ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ବିଜେପି ଲିଡରମାନଙ୍କୁ ମିଳିଗଲାଣି କଂଗ୍ରେସକୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଉପନେତା କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଯାହା କଲୁ ସେମାନେ ତାକୁ ଫଲୋ କରିକି ସେୟା କଲେ ତ ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ନେତାମାନେ ଆଣ୍ଡ ଏକର୍ଡିଂଲି କାମ କରିବା କଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଇନପୁଟ୍ ଏଡିଟର ଅଜିତ ଦାସ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଜିତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଅଜିତ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସରେ ପିସିସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଇଏ କୌଣସି ନୂଆ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ନୁହେଁ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଦେଖିଆସିଛୁ କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ସ୍ୱର ସବୁବେଳେ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସ୍ୱର ଟିକେ ଭିନ୍ନ କାରଣ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କଂଗ୍ରେସକୁ ନେଇକି ସେ ଅଭିଯୋଗ ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ଏକ ଅଭିଯୋଗ କି ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ଭାବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାମ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଅନ୍ୟପଟେ କଂଗ୍ରେସର ଯେଉଁ ମୂଳ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସେ ସବୁରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି କଂଗ୍ରେସ ୟାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ପଛେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜର ଘର ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ସଂଗଠନ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଶ୍ରୀ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସରେ ଗୋଡ଼ଟଣା ରାଜନୀତିଟା ଆଜିକାର ନୂଆ ନୁହେଁ ଇଏ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ ହେବା ଦିନଠାରୁ ଏ ଗୋଡ଼ଟଣା ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରେ ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ସମୟରେ ବି ଯିଏ ବି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଛଅ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ସଂଗଠିତ ହୁଏ ପୁଣି ସେମାନେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିଟି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛି ତାର କାରଣ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କ୍ଷମତା ପାଇଁକି କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଭିତରେ କନ୍ଦଳ ଲାଗି ରହୁଥିଲା କିଏ ସଭାପତି ହେବ ସେହି କ୍ଷମତା କନ୍ଦଳ ପାଇଁକି ସଭାପତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏଥରକ ଯେଉଁ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସାଂଗଠନିକ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଂଗ୍ରେସ ପାଇଁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ନିଜର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦେଇଛି ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସର ପାରମ୍ପରିକ ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ବିଜେପି ଏବଂ ଦୁଇ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ରଖୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା କଂଗ୍ରେସରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ବିଜେପିର ଫଲୋ କରୁଛି କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଯେଉଁ ରାଜନୈତିକ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ କଂଗ୍ରେସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନରେ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାକୁ ଫଲୋ କରୁଛି ଅନୁକରଣ କରୁଛି ତାରପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ କି ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିସିସି ସଭାପତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଆପଣ ପରିଲକ୍ଷିତ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ମୟ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯେ କଂଗ୍ରେସର ଯେହେତୁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦଳ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ହୋଇଛି ଏକରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 2000 ପରଠାରୁ କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ହାର ଧୀରେ ଧୀରେ 34-35% ଖସି ଖସି ଏବେ ଆସି 5-6% ପହଞ୍ଚିଲାଣି କଂଗ୍ରେସର ଭୋଟ୍ ହାର ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଯଦି ବିଜେପି ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏବଂ ବିଜେପିର ରାଜନୀତିକୁ ଯଦି କଂଗ୍ରେସ ଅନୁକରଣ କଲେ ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ 5-6% ଭୋଟ୍ କଂଗ୍ରେସର ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ସେତିକ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସ ହାତଛଡ଼ା କରିବ ସେ ଭୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ବିଜେପି ଆଡ଼େ ଡାଇଭର୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏ ଭୟ ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କେବଳ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୁହେଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସକୁ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସଶକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ପାଇଁକି ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ଏବଂ କିଛି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ସେମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ କଂଗ୍ରେସ ନିଜସ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉ ନିଜସ୍ୱ ରଣନୀତିରେ କଂଗ୍ରେସ ଚାଲୁ ବିଜେପିର ବି ଟିମ୍ ହୋଇକରି କଂଗ୍ରେସ କାମ ନ କରୁ ଏଭଳି ଏକ ବାର୍ତ୍ତା ସେମାନେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାରଣ ଗତ କିଛି ଦିନର ଯଦି ଆପଣ କଂଗ୍ରେସର ଆଭିମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଖିବେ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆଭିମୁଖ୍ୟରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇପଡ଼ିଲେଣି ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କୁ